Okay guys, so this is Hitesh Patil and these are editorial videos of Coursera programming contest 2021 at coder beginner 200. Okay, before this agar aapne channel subscribe nahi kiya to please kar lo. Okay, please. And I am making editorial videos for question A to D. Okay, agar aapse ABC ho gaye hain to D question zarur dekh ke jana. I mean this question is good question. Okay, और पहली बार मैंने भी इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा पढ़ा. ठीक है, फाइन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन ए, इन व्हाट सेंचुरी इज द ईयर एन. ओके, अगर सेंचुरी क्या है, सेंचुरी हमें पता है सबको. ठीक है, 2021 है अगर, तो ये 2021 की सेंचुरी प्रिंट करवानी है. क्या हो जाएगी, 21st सेंचुरी है ना. एंड 200 है, अगर 200 कौन सी सेंचुरी में होगा, ऑब्वियसली सेकेंड सेंचुरी में. तो हमें सिंपली क्या करना था, एक सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स. ओके, सो अगर एन मॉडुलो 100 कर लो तो उसकी सेंचुरी मिल जाएगी. अब एक क्रिटिकल पार्ट क्या है कि अगर एन मॉडुलो 100 डिविजिबल बाय 0 है तो सेंचुरी कितनी हो जाएगी, एन मॉडुलो 100 0 है तो सेंचुरी कितनी हो जाएगी, एन बाय 100. और अगर नहीं है 0 तो एन बाई 100 प्लस 1, दो केस. ठीक है, ओके, कोड नहीं बता रहा मैं. ओके, क्वेश्चन बी, 200th एबीसी 200. यू आर गिवन एन इंटीजर एन, डू द फॉलोइंग के ऑपरेशन के टाइम्स. इफ एन इज अ मल्टीपल ऑफ 200 डिवाइडेड बाई 200, अदरवाइज सी एन एज अ स्ट्रिंग एंड डिपेंड 200 to the end of it. Okay, so for example 7 hai to it will become 70 200. Okay, and if it is 1234 then it will become 1234 200. Okay, fine. So k times operation karna hai, simple hai. Tum code dekh lo seedhe. Okay, n ke input liya. If n modulo 200 agar not 0 hai, theek hai, तो सिंपली तुमने क्या किया, n को स्ट्रिंग में चेंज किया, n में 200 डिपेंड किया और n को वापस किस में चेंज कर दिया, n को वापस से स्ट्रिंग के इक्वल बना दिया. ठीक है, और else अगर n divisible by 200 है तो डिवाइड कर दिया 200 से. ठीक है, फाइन. प्रॉब्लम सी, रिंगुल ऑफ इंटीजर 200. ओके, solve the problem below for him. Given a sequence A of n positive integers, find the pair of integers id such that I and j are two indexes where I is less than j. Okay, and ai minus aj is a multiple of 200. Okay, so we have to find number of pairs such that bigger one minus smaller one is a multiple of 200, such that jo hamara आई पहले आ रहा है एरे में माइनस एजे जो हमारा बाद में आ रहा है एरे में उसका डिफरेंस 200 का मल्टीपल हो. ठीक है, ओके. सो माउस में आज कम यूज करूंगा क्योंकि सेल की प्रॉब्लम है. ठीक है, लेट सपोज वी हैव सम आई ए ऑफ आई और हम उसके लिए नंबर ऑफ एजेस निकाल लें, नंबर ऑफ इंडेक्सेस जे निकाल रहे हैं जिसका डिफरेंस वो 200 का मल्टीपल होगा. ठीक है, तो ए जे की वैल्यू निकाल रहे हैं. फाइन, अब ये देखो कि मान लो ए आई तुम्हारा कुछ 200 का मल्टीपल है या नहीं है. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, आई आई इज सम रैंडम वैल्यू मल्टीप्लाई 200. ओके, मल्टीप्लाई वन सेकेंड, मल्टीप्लाई सम एक्स इज इक्वल्स टू ए आई. ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, अभी के लिए मान लेते हैं हाँ लिख लिया हमने. ठीक है, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आई की वैल्यू यहां पे जीरो है. ओके, तुम ऐसा करो. ठीक है, इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो कि ए आई माइनस ए जे शुड बी इक्वल टू 200 आई. ओके, अगर हमने 200 से दोनों को डिवाइड कर दिया. ठीक है,
अगर यहां पे हम ले आए ए आई माइनस ए जे अपॉन 200 शुड बी इक्वल्स टू आई। अब अगर आई इज इक्वल्स टू हमें जीरो चाहिए, मतलब हमें एक इनइक्वालिटी बनानी है ना, तो ये बताओ अगर इससे भी 200 का मल्टीपल्स निकाल दो और इससे भी 200 का मल्टीपल निकाल दो, मतलब इसको ऐसे कर दो ए आई मॉडुलो 200 माइनस ए जे मॉडुलो 200 इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, मान लो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 200 का मल्टीपल है, ठीक है, 523 और 123 का डिफरेंस 200 का मल्टीपल है ना, 523 माइनस 123 इज इक्वल्स टू 200 क्रॉस आई। ओके, अगर 200 तुमने इससे भी कॉमन ले लिया और 200 तुमने इससे भी कॉमन ले लिया, ठीक है, जितने टाइम्स तुम ले सकते हो, मैक्सिमम टाइम्स तुम 200 इससे कॉमन ले सकते हो और मैक्सिमम टाइम्स 200 तुम इससे कॉमन ले सकते हो, ले लो, जैसे 123 था तो 123 से मैक्सिमम कितनी टाइम्स तुम 200 कॉमन ले सकते हो, जीरो टाइम्स। ओके, तो ये 123 बचेगा। अब इससे तुम मैक्सिमम कितनी टाइम्स 200 कॉमन ले सकते हो बताओ, टू टाइम्स ना। ओके, तो अगर इसे 2 टाइम्स 200 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 123। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम पूरी की पूरी एरे को 200 से डिवाइड कर दें, मतलब 200 से मॉडुलो कर दें, ठीक है, तो ये जो अगर ऑपरेशन हमारा जो है डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 200 चाहिए, वो डिफरेंस हम जीरो निकाल सकते हैं। कैसे, एक बार फिर से देख लो, मैं एक और बार बता देता हूँ, ठीक है, ए आई माइनस एज प्रूफ कर देता हूं इसको, 200 टाइम्स आई है अगर, ठीक है, देन ए आई कितना होगा तुम्हारा, ए आई मस्ट बी सम 200 आई टाइम्स एक्स, ओके, एंड एज मस्ट बी सम 200 आई प्लस, इसको j कर लो, सॉरी, ठीक है, i प्लस j टाइम्स x, तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, चलता है उल्टा भी। अब अगर 200 jx और 200 jx दोनों से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 200 ऑफ i। ओके, तो मतलब इन द सेंस कि तुम्हारी ये नंबर से अगर तुमने 200 का मैक्सिमम टाइम तुम जितना निकाल सकते हो, जो कि है 200 jx निकाल दोगे, है ना, तो तुम्हारा जो बचा हुआ वैल्यू बचेगा वो दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, सॉरी अगर मैंने फंबल कर दिया, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें करना क्या है, पूरे का मॉडुलो ले लो 200 से, और फिर जो तुम ये चीज निकाल रहे हो ए आई माइनस ए जे इज अ मल्टीपल ऑफ 200, वो मल्टीपल ऑफ जीरो बन जाएगा, ठीक है, फाइन। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो एक बार क्या कर लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो या ऑब्जर्व करने की कोशिश कर लो, फाइन। सॉल्यूशन इसका सिंपली क्या करेंगे, ए आई का 200 से मॉड्यूलो कर दिया सारे इंटीजर्स, फिर एक मैप ले लो, मैप और एक आंसर ले लो, और लास्ट एलिमेंट अपडेट कर दिया, फिर सेकेंड लास्ट एलिमेंट से चले छोटे एलिमेंट की तरफ। सेकेंड लास्ट एलिमेंट के लिए हमें निकालना है कि वो कितने करेंट इंडेक्स आई है, ठीक है, ये आई तुम्हारे कितने जे के साथ पेयरिंग कर सकता है, तो वो कितने जे के साथ पेयरिंग कर सकता है, एम ऑफ ए ऑफ आई के साथ, है ना, और फिर करेंट वाले मैप को अपडेट कर दो, करेंट इंडेक्स के लिए मैप को अपडेट कर दो, आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, ओके। प्रॉब्लम डी मैंने भी थोड़ा अप्रोच लगाया था, फिर एंड में एडिटोरियल सही समझा, ठीक है, काफी हद तक, ठीक। हैप्पी बर्थडे टू यू, आर गिवन ए सीक्वेंस ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमें क्या करना है, हमें एन पॉजिटिव इंटीजर्स से कोई दो सब सीक्वेंस उठाने हैं, ठीक है, सब सीक्वेंस डी एंड सब सीक्वेंस सी,
यू कैन से ओके सच दैट जो बी और सी दो सब सीक्वेंस हैं वो डिफरेंट हो. डिफरेंट का मतलब या तो उनकी लेंथ डिफरेंट हो या फिर उनका कोई एक इंडेक्स में एलिमेंट इंडेक्स डिफरेंट हो. ठीक है. और सम ऑफ सबसीक्वेंस बी एंड सम ऑफ सबसीक्वेंस ए आर इक्वल मॉडुलो 200. इट मींस कि सबसीक्वेंस जो ए बनाया है और सबसीक्वेंस बी बनाया है जो उन दोनों का अगर मॉडुलो 200 लोगे तो वो इक्वल होगा. ठीक है फाइन. अब सबसे पहले ये देखो कि हमें सबसीक्वेंस में डीलिंग करनी है ना. सबसीक्वेंस और उसके सम में डील करना है. एन की वैल्यू 200 है. टोटल नंबर ऑफ सबसीक्वेंस अगर हम देखें हम जो 200 एलिमेंट से बना सकते हैं वो कितने हो जाएंगे 2 रेस एन टोटल नंबर ऑफ सबसीक्वेंस माइनस 1 कैन से ओके. और यू कैन से कि तुम्हारे पास 2 रेस एन माइनस 1 डिफरेंट सम्स आ सकते हैं. डिफरेंट सम्स आ सकते हैं. ठीक है डिफरेंट सबसीक्वेंस के डिफरेंट सम्स ओके. अब मान लो 2 रेज एन माइनस 1 सम्स आ गए तुम्हारे पास. अब तुम्हें ये चेक करना है कि कोई एक सम ऑफ आई के लिए एक और सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करता है क्या जो सम ऑफ आई के इक्वल हो और जिसका सम ऑफ आई के इक्वल हो. है ना जिसका सम ऑफ आई के इक्वल हो बट वो सबसीक्वेंस अलग हो. है ना तो टोटल नंबर ऑफ सम्स कितने हैं तुम्हारे पास 2 रेज एन माइनस 1 मतलब यू कैन से डिफरेंट सम्स और डिफरेंट सबसीक्वेंसेस. है ना क्योंकि हमें ओवरऑल सम से डील करना है इसलिए मैं सम बोल रहा हूँ. तुम सबसीक्वेंस भी बोल सकते हो. ओके 2 रेज एन माइनस 1 डिफरेंट सम्स है हमारे पास. तो हमें बस ये देखना है कि हमारे पास क्या दो इक्वल सम कहीं पे आ रहे हैं मतलब दो सबसीक्वेंस के इक्वल सम आ रहे हैं या नहीं. हमारा टास्क ये है ना इन 2 रेज एन माइनस 1 सम्स में कोई दो सेम सम आ रहे हैं मतलब सम i इज इक्वल टू सम j है क्या या नहीं. ओके अब ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे पास 200 है ना फाइन. हमें क्या करना है हमें चेक करना है कि सब सीक्वेंस का जो सम है ना मॉडुलो 200 सब सीक्वेंस का सम मॉडुलो 200. इट मींस सब सीक्वेंस का सम जो हमें चेक करना है वो होगा 0 से 199 तक. ये सम आ सकता है हमारा. ठीक है 0 से 199 तक डिफरेंट सम हमें चेक करने हैं. और हमारे पास टोटल सम्स हैं कितने 2 रेज एन माइनस 1. अब ये बताओ कि टोटल डिफरेंट सम्स हमारे पास कितने हैं 200 सम्स हैं हमारे पास. है ना टोटल डिफरेंट सम हमें चेक करने जो हमें चेक करने वो 0 से 199 मतलब 200 और हमारे पास है कितने 2 रेज एन माइनस 1. है ना फाइन. अब एक पिजन होल प्रिंसिपल अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो पिजन होल प्रिंसिपल तो वो क्या कहता है सिंपल कि अगर मान लो हमारे पास 101 डिफरेंट नंबर्स हैं. ठीक है डिफरेंट नंबर्स हैं अगर हमारे पास 101 डिफरेंट नंबर्स और 100 बॉक्सेस हैं. ठीक है ये 100 बॉक्सेस हैं अप टू 100 और ये 101 डिफरेंट नंबर्स हैं. अगर इन 101 डिफरेंट नंबर्स को तुम इन सारे बॉक्सेस में डालो तो एटलीस्ट किसी एक बॉक्स में दो नंबर्स पक्का आएंगे. है ना तुमने मान लो 111 सब में डाल दिया फिर एटलीस्ट एक बॉक्स में दो नंबर्स आएंगे. ये तुम्हारा पिजन होल प्रिंसिपल है. अगर तुम सेम चीज यहां पे लगाओ कि हमें चेक करने टोटल 200 बॉक्सेस और यू कैन से 200 सम्स और हमारे पास टोटल कितने 2 रेज एन माइनस 1. ओके हमारे पास टोटल डिफरेंट नंबर्स कितने 2 रेज एन माइनस 1 और बॉक्सेस हमारे पास कितने 200. तो व्हाई वी विल चेक फॉर ऑल दीज बॉक्सेस जबकि हमें बस निकालना है क्या है कोई ऐसा बॉक्स जो जिसपे दो बार नंबर आ रहे हो मतलब
हमें बस निकालना है कि कोई ऐसा सम जो दो बार एग्जिस्ट कर रहा हो, कोई ऐसा सम जो दो बार एग्जिस्ट कर रहा हो, इट मींस कि दो सब सीक्वेंसेस हैं जिनका सम इक्वल है ना। हमें बस ये निकालना है। और टोटल सम, हम टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस कितने हैं, टू रेज एन माइनस वन। सो वी विल ओनली चेक फॉर फर्स्ट टू जीरो वन सब सीक्वेंसेस। ये था ओवरऑल फंडा इस क्वेश्चन का। हम खाली 201 फर्स्ट 201 सब सीक्वेंस चेक करेंगे, ठीक है। उनमें से कोई दो सब सीक्वेंस का सम हमारा पक्का सेम आ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सम्स हमारे कितने हो सकते हैं, 0 से 199। तो अगर हम 201 सब सीक्वेंस चेक कर लें तो उनमें से पक्का किन्हीं दो सब सीक्वेंस का सम सेम आ जाएगा, ठीक है। यही थी इस क्वेश्चन की अप्रोच। तो टोटल तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट 0 से 201 तक एक लूप चलाओ, ठीक है। बिट मास्किंग अगर पड़ी होगी तो 0 से 201 तक एक लूप चलाएंगे, फिर हम 201 सब सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और उन सबका सम हम एक मैप में डालते जाएंगे, है ना। और मैप में डालते साथ जैसे ही हमें कोई एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो दोबारा आ रहा है, कोई एक सम मिलेगा जो दोबारा आ रहा है, हम वही वाला सब सीक्वेंस प्रिंट करवा देंगे सिंपली। अगर तुम्हें एडिटोरियल का कोड देखना है तो सिंपली ये देखो, ठीक है। ये आउटपुट फंक्शन है जो तुम्हारा सिंपली वेक्टर को प्रिंट करवा रहा है। थोड़ा सा बड़ा है इनका कोड, इतने की भी मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। इनने सिंपली क्या किया, ये पहला आउटर लूप लगाया 1 से 201 तक, ठीक है। 1 से 201 तक करेंट सिग में लिया हमने करेंट सम, वेक्टर ऑफ एस में लिया हमने करेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। फिर करेंट सब सीक्वेंस का हमने सम निकाला सिग में, और एस में हमने पुश कर दिया, सिंपली एस में पुश कर दिया अपना करेंट सब सीक्वेंस। अब अपने वेक्टर ऑफ एडजेसेंट वेक्टर में चेक किया, अगर वो पहले से आ रहा है ना, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, आउटपुट यस। और जो पहले पहला हमारा सब सीक्वेंस था वो निकाल, वो प्रिंट करा देंगे, और जो करंट सब सीक्वेंस है वो। एल्स में हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमने अभी सब सीक्वेंस निकाला है हम उसको कहाँ पे डाल देंगे, एडजेसेंट वेक्टर में या एडजेसेंट लिस्ट में, ठीक है। अगर हमने 201 सब सीक्वेंस चेक कर लिए सारे, फर्स्ट 201 सब सीक्वेंस, और हमें एक भी सब सीक्वेंस नहीं मिला जिनका सम इक्वल है, इट मींस आंसर इज नो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।